ओके, रोल कैमरा एंड एक्शन। व्हाट अ बिजी डे। पता ही होगा कि बॉलीवुड सिर्फ तीन चीजों से बनता है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। मैं नहीं मान सकता, लेकिन आपकी एज क्या है? 48। आपने बाल विवाह किया था? दरवाजा खुलने की आवाज आती है, गाड़ी रुक गई तो ब्रेक की आवाज आती है, यहाँ तो कोई अगर पानी भी पी रहा है तो पानी पीने की भी एक आवाज आती है। हमें ये जो सारी छोटी मोटी आवाजें हम अलग से रिकॉर्ड करके उस सीन में यूज करते हैं, उस फिल्म में यूज करते हैं, जिन आवाजों को हम एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट गाड़ी के ब्रेक को हम माइक नहीं लगा सकते, तो वो जो आवाजें हमें बनानी पड़ती है अलग अलग चीजें यूज कर कर, उसे फॉली साउंड कहते हैं। और फॉली साउंड को सिंपल भाषा में फेक आवाजें कह सकते हो, बहुत सारी आवाजें एक फिल्म में होती है। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। फॉली साउंड रिकॉर्ड करने के लिए इस तरह का स्पेशल माइक यूज होता है जो इतने सेंसिटिव होते हैं कि सुई गिरने पर भी आवाज कैप्चर कर लेते हैं, तो सारे फॉली साउंड इसी तरह के माइक से रिकॉर्ड किए जाते हैं। आपने मिशन मंगल मूवी देखा है क्या, जो अक्षय सर की आई थी, उसमें ज्यादा करके हमने जो आवाज सुनी थी वो है रॉकेट की आवाज, ये भी एक फेक साउंड है, फॉली साउंड है। तो ये साउंड किस तरह से बना होगा, आइए देखते हैं वीडियो के साथ। ये जो वीडियो देख रहे हो इसे आवाज नहीं है, आवाज हम इस माइक से देंगे जिसे फॉली साउंड कहते हैं। तो किस तरह से फेक आवाजें रिकॉर्ड की जाती है फिल्मों में, फेक आवाजें रिकॉर्ड की जाती है फिल्मों में। और अभी जो मैंने आपको आवाज सुनाई है एक रॉ ऑडियो, मतलब मैं डायरेक्टली सुना रहा हूँ, पर आप जो फिल्म देखते हो उसमें बहुत बारीकी से इस फॉली साउंड के ऊपर काम किया जाता है, इस आवाज को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, फिर एडिट रूम में एडिट किया जाता है, वीडियो के साथ कुछ इफेक्ट ऐड किए जाते हैं, उसके बाद ये आवाजें सुनते रहो से एंजॉय करते हैं। 90% फिल्मों में फाइट सीन्स होता है, हर मुक्के में एक आवाज आती है, किसी गर्दन मरोड़ी जाती है, किसी का हाथ तोड़ा जाता है तो एक आवाज आती है हड्डी टूटने की, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल है क्या, किसी ने सुना है हड्डी टूटने का आवाज? साउथ के फिल्मों में सुना होगा, वहां पे हड्डियां भी स्लो मोशन में टूटती है, पर ये भी आवाज एक फॉली साउंड है जिसे क्रिएट किया जाता है इस मॉडल की मदद से। तो किस तरह से इफेक्ट आता है फिल्मों में, हमारा जो सारा ध्यान है फाइट के ऊपर होता है, हीरो के ऊपर होता है, पर बैकग्राउंड में हड्डी टूटनी आवाज यही से आती है, और यही आवाज सुन के हम एंजॉय करते हैं, फॉली साउंड कहते हैं, फेक साउंड कहते हैं। एक फिल्म में कम से कम 10-15 फॉली साउंड होते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बस ये दो दिखाया, पर और एक साउंड दिखाऊंगा आपको मैं। जब भी आप स्क्रीन पे कोई जलती हुई लगती है देखते हो, कोई आग का सीन है तो मैं आग की भी एक आवाज आती है, ये भी एक फेक साउंड है जिसे रिकॉर्ड किया जाता है इस कागज की मदद से। तो किस तरह से फील आता है, जिस तरह से ये फेक साउंड रिकॉर्ड किए जाते हैं, पता था किसी को? ऐसी बहुत सारी आवाजें होती है, 70% आवाजें ये क्रिएट की जाती है, मतलब जितने भी मोशन सीन्स वगैरह देखते हो, जैसे नल का टैप अगर खोल ले तो हमें टैप खोलने की भी एक आवाज आती है, और यहाँ से पानी टपक रहा है वो भी हमें आवाज सुनाई देती है। ये जो सारी आवाजें क्रिएट करनी होती है, और जाते जाते और एक फॉली साउंड आपको दिखाऊंगा, घोड़े के टापू की आवाज पता है सबको, बहुत साफ सुनाई देती है जब घोड़ा जब सड़क पे दौड़ता है तो टक 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 आवाज आती है। ये आवाज रिकॉर्ड करने के लिए इस प्रॉप का यूज किया जाता है, पता है ना सबको, इसकी मदद से ये साउंड रिकॉर्ड होता है।
सो मुझे इस तरीके से ये साउंड रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दो चार साउंड यहाँ पे दिखाया है, पर इसे साउंड रिकॉर्ड करने के लिए एक बर्न स्टूडियो ना बहुत जरूरी है, जैसे डबिंग के स्टूडियो होते हैं, रिकॉर्डिंग के स्टूडियो होते हैं, वैसे फॉली के भी स्टूडियो होते हैं। तो स्टूडियो में इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, कैसे प्रॉप्स यूज करते हैं देखेंगे एक शॉर्ट वीडियो के जरिए। होप्स वे फॉलीफिट होते कैसे, उसको फिल्म में यूज कैसे करते हैं, आपको समझ में आया होगा, कुछ नया देखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। Because that got me motivated to do Foley's. इस तरीके से ये साउंड रिकॉर्ड किया जाता है, आप में से बहुत कम लोग इस साउंड के बारे में जानते होंगे। अभी नेक्स्ट टाइम मूवी देखोगे तो भी साउंड को सुनना और सोचना किस तरह से रिकॉर्ड किया होगा। सो ये तो आप फॉली साउंड के बारे में जानते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमने आपको दिखाए। वैसे ही फर्स्ट वीडियो हमने देखा था, हम ग्रीन फ्लोर पे हम बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, तो ये भी एक छोटा सा डेमो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। इंटरेस्टेड हो गए हम लोग? ओके, सो आप में से मुझे चार लोग चाहिए, दो मेल और दो फीमेल, जिन्होंने ग्रीन नहीं पहना हो, एक्टिंग करने वाले एक्टिव लोग चाहिए। तो 30 सेकंड के लिए हम लोग यहाँ पे एक्ट करेंगे और ये प्लीज कर यहाँ पे एक्टिंग करनी थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए एक्टिंग। ओके, और एक मेल एक फीमेल, पर आप में से कोई जवाब नहीं दे रहा है। अभी जेल के अंदर आएंगे, आप लोगों के साथ मारपीट करेंगे, उससे पहले उनको रोकना है। आप दोनों को इस कैमरे में देख के बोलना है, अभी आपका डायलॉग है, बोलना है जेल साहब हमने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है इन लोगों ने किया, इनको जेल में रखो, हमें छोड़ दो, डर के बोलना है, सारे इल्जाम इनके ऊपर डालना है। ओके, ये जो बोल रहे हैं इनको रिप्लाई देना है, बस आपको वही सेम डायलॉग बोलना है कि जेल साहब हमने भी कुछ नहीं किया है, जो भी किया है इन्होंने किया होगा, हम तो बस सेल्फी ले रहे थे, घूम रहे थे, हमको कुछ पता नहीं है। 30 सेकेंड के लिए आप चारों को बहस करनी आपस में और बताना है कि आपकी आवाज़ इस कैमरे में रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे फिल्मों में शूट होता है, रोल का मैं एक्शन बोलूंगा, एक्टिंग स्टार्ट करनी, जब तक मैं कट नहीं बोलूंगा तब तक रुकना नहीं, और मुझे देख के एक्टिंग करो आप, मतलब आपको आ जाएगा पूरा। ओके, रेडी हो आप लोग? ओके, रोल कैमरा एंड एक्शन। आप भी कुछ बोलोगे सर? हाँ जेलर साहब मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया इन्होंने किया, इनको जेल में रखो, नॉर्मल डायलॉग है। ओके, रेडी हो आप लोग? चलो टेक टू, रोल कैमरा एंड एक्शन। ओके ओके, कट इट, जोर से ताली हो जाए। Yeah.
पहले कहते थे कि जो जेल में भी थोड़ा कुछ लग रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा जेल की सलामों से लेकर दीवारें सब एक विजुअल इफेक्ट था, लेकिन ये क्लिप विद इन 5 मिनट्स में आपके सामने प्रेजेंट हुए तो पहचान में भी आता है कि भाई एडिटिंग दिख रहा है। फिल्मों में जो हम रियलिस्टिक फील देखते हैं तो उसके लिए डिटेल में फ्रेम बाय फ्रेम इंच बाय इंच वर्क किया जाता है। कंसीडर कर लो अगर 5-10 मिनट की भी क्लिप होती है तो उसको प्रॉपर परफेक्शन लाने के लिए 1-1.5 घंटा से भी ज्यादा समय लग सकता है। जैसे कि हम सुनते हैं फिल्म की शूटिंग भले 40-50 दिन में कंप्लीट होती है, लेकिन इसको ऑन स्क्रीन थिएटर रिलीज में 8-10 महीने। कि आज हम यहाँ इस वक्त है क्योंकि आज धुंडीराज गोविंद फाड़के यानी दादा साहेब फाड़के का जन्मदिन है। ही वॉज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो आप सबका बॉलीवुड पार्क में स्वागत है और आपको पता ही होगा कि बॉलीवुड सिर्फ 3 चीजों से बनता है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। जी हाँ, यकीन मानिए आज जहाँ आपको कॉमेडी देखने मिलेगी वही होगा डांस का जलवा भी। लेकिन उसके पहले चलिए देखते हैं हमारी बॉलीवुड हिस्ट्री और जानते हैं कि हमारे इस बॉलीवुड की चमकती धमकती दुनिया में किन किन लोगों का योगदान और मेहनत रही है। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर बॉलीवुड हिस्ट्री एंड सिनेमा सॉन्ग। Yeah.
not a busy day. कैसे हैं आप लोग? मुझे लग रहा है कि मैं कोई सत्संग में आ गया हूँ. मैं कोई बाबा हूँ, ये कोई बेबी है, प्रभु कुछ सुनाएंगे आपको. आप लोग बॉलीवुड पार्क में जरा जोरदार तालियां बजाएं आपने लिए. क्या बात है. सबसे पहले मैं शाली पेश करना चाहूंगा, पूरा 1000 रुपये वसूल करके जाना प्रभु मैं वाशी से चुमाई से लाटी गुलाटी डीडी एमजे गुलाटी गुलाटी. ये कौन सा नाम हुआ भाई? ओके आप क्या करते हैं? मैं भी आपकी तरह मिमिक्री. मिमिक्री आर्टिस्ट है. किसकी आवाज निकालते हैं आप? अपने आप की. वेरी गुड. मार्केट में ऑप्शन नहीं है, सही दिमाग है. आपकी वाइफ का बच्ची है? हेलो दीदी कैसे हैं आप? मैं से डॉक्टर गुलाटी पीयूसी. पीयूसी मतलब पति अंडर कंट्रोल. आपके वाइफ को मिलना पड़ेगा, टिप्स लेना पड़ेगा. सॉरी ये मुमकिन नहीं है क्योंकि आई एम सिंगल एंड आई एम हैप्पी. तो सर घर जाना नहीं, जरा डिसाइड कर लो. दीदी जैसे कि आप इनकी धर्म पत्नी है, मैं इनका धर्मशाला हूँ. मुझे बात करने का बड़ा मन कर रहा है. कितना क्यूट जीजा है. छत पे खड़े जीजा बंदर खा गया पिज्जा. तो आपका सवाल ये है कि माँ के आंसू और बीवी के आंसू में क्या फर्क होता है? घर जाना है तो जवाब दो. दोनों मूल्यवान होते. और आपके आंसू? उसकी कुछ कीमत नहीं होती. कीमत ही नहीं है वो अनमोल है. ये मूल्यवान है. बोलो ना क्या फर्क होता है. बच्चा भी समझता है. देखो भेगी भेगी बातें कर रहे हैं आप. बोलिए ना. अभी तो सिट्टी बिट्टी गुम हो गई. ऐसे बोलो सिट्टी बिट्टी गुल हो गए. हाँ तो आपकी वाइफ कहाँ बैठी है? कोरोना खत्म हो गया है ना? ये बच्चे हैं आपके? बच्चे कोई एंगल से लग नहीं रहे, सच्ची बता रहा हूं मैं. ये पापा है आपके? नहीं 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 मैं नहीं मान सकता. लेकिन आपकी एज क्या है? 48. आपने बालिक विवाह किया था? ऐसे समझा मतलब. देखो उनका पनीर चेंज हो गया लगता है. धीरे धीरे पॉपकॉर्न नीचे आ रहा है. आ रास्ता बना रहा है. हाँ वो होता है. रुक जा. वो कहाँ से आप? डोंबिवली. डोंबिवली थाने दो स्टेशन पीछे आ जाओ. आपका डुम्बली सर है. आपके ये वाइफ कहाँ बैठी है? अच्छा आपने लव किया, अरेंज किया दीदी? लव क्यों नहीं किया? ये मिले नहीं कहाँ गए थे? बोलो भी. अच्छा डुम्बली में था. डुम्बली में था. ये ढूंढ नहीं पाए ना आपको? ये वेस्ट में था. आप ईस्ट में थे. क्या बात है. और आप तेरा कहा थे? कुछ नहीं छोड़ दो. मम्मी पापा को मिलाने के लिए होता नहीं आप लोग का? ईस्ट वेस्ट करके रखा हुआ है. हाँ तो सर मैं क्या बोल रहा था, अगर नारी शक्ति है तो पति क्या है? उनको क्या मेरे को देखो इधर इधर. नहीं मैम अभी ये बंदा मोबाइल घुमा के अपना वीडियो बनाएगा. निकाल दो. तब ये वहां बना रहे थे अब यहाँ बना. आपकी बात कर रहा हूँ. गुलाबी टी शर्ट जो तेरी देखी. ओके बोलो. नारी अगर शक्ति है तो पति. सो गाइस मैं आ गया अभी बाहर और मैंने सब कुछ देख लिया. आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज बताना, क्योंकि फोन की बैटरी ऑलमोस्ट जाने वाली है और मैंने थोड़ा बहुत एक्टिंग भी किया है. सो वीडियो कैसा लगा प्लीज बताना, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना.